हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्लक्सोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ओप्पो कंपनी में प्रमोटर का जॉब प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको कितना पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहां पे देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ अगर आप ओप्पो कंपनी में प्रमोटर बन जाते हैं तो आपको कितने पीस सेल करने का टारगेट मिलेगा, प्रमोटर का क्या काम होता है और आपको इंसेंटिव कितना मिलता है कितने टारगेट पूरा करने के बाद। आज इस वीडियो में सारी चीजें जानेंगे। इससे पहले वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें और साथ ही साथ लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो ओप्पो के प्रमोटर बनना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको टारगेट और सैलरी से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले अगर अब तक आप हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फ्लक्सोन में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि भविष्य में कभी भी इस प्रकार का कोई भी वीडियो हम अपनी चैनल पे लाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों, अब ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट ये है, पहला रेस्ट्रिक्शन जो है प्रमोटर बनने के लिए ओप्पो कंपनी में, वो ये है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, एवव 18 ईयर होनी चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो है दोस्तों, दूसरा कंडीशन सबसे बड़ा कंडीशन है, लोगों के दिमाग में एक ही चीज होता है, प्रमोटर बनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, ज्यादा बातचीत इंग्लिश में करना आना चाहिए तभी आप प्रमोटर बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मैट्रिक पास भी हैं तो आप ओप्पो कंपनी में एज अ प्रमोटर जॉब पा सकते हैं, लेकिन अगर इंटर पास या उससे ज्यादा है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा जल्दी अचीव करना और टारगेट अपना, साथ ही साथ आप अपना एक अच्छा ओहदा पा सकते हैं अपने मित्रों के बीच में जो और भी प्रमोटर होंगे। इसके साथ साथ अब हम बात करें सैलरी की, कि आखिर ओप्पो कंपनी अपने प्रमोटर को कितनी सैलरी देती है, कितना ओप्पो कंपनी द्वारा अपने ओप्पो के प्रमोटर के लिए टारगेट तैयार किया जाता है कि वो कितना टारगेट कर देंगे कि उनको पूरी सैलरी मिलेगी, क्या कट के भी सैलरी किसी प्रमोटर को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, किस प्रमोटर को कट के मिलती है वो भी आज हम बताएंगे, और अगर हम टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो कितने दिनों तक लगातार हमारा टारगेट कितने महीनों तक पूरा नहीं होने पे हमें जॉब से निकाल दिया जाता है, ये सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले मैं आपको प्रमोटर का जॉब पाने का तरीका बता देता हूं कि आप ओप्पो के प्रमोटर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, जिस एरिया में, जिस लोकेशन में आप रहते हैं या आपका घर है, या फिर जिस जगह आप ओप्पो का प्रमोटर बनना चाहते हैं, वहां अगल बगल में कोई एक अच्छा मार्केट होगा जहां पे मोबाइल की बड़ी शॉप होगी, उसमें उनके जो फोन देने वाले आते हैं या फिर कोई प्रमोटर भाई ऑलरेडी उसमें ओप्पो में जॉब कर रहे होंगे, आप उनसे जाकर मिलेंगे, भाई यार कैसे तुम्हें ओप्पो का जॉब प्राप्त हुआ, किस प्रकार से आप ओप्पो में प्रमोटर बन गए, मुझे भी थोड़ा हेल्प करो, मैं भी अभी कोई जॉब नहीं कर रहा हूं, चाह रहा हूं मैं भी ओप्पो में प्रमोटर बनना, क्या तुम मुझे इसमें किसी भी प्रकार की सहायता कर सकते हो। तो दोस्तों, वो आपको अपने टीएल से मिलाएगा, क्योंकि जो ओप्पो कंपनी में किसी भी लड़के को एज ए प्रमोटर प्रमोट करता है वो टीएल ही अपने रेफरेंस में भेजता है, या फिर आप डायरेक्ट कंपनी के अपने जगह पे जहां पे वो बहाल करते हैं, ओप्पो का, वीवो का, हर कंपनी का अपना एक एरिया होता है जहां पे आप हैं वहां पे लोकेशन होगा, वो आप पता कर लेंगे उनसे, या नहीं तो अगर आप टीएल से अच्छा कॉम्बिनेशन करा के बात कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके रेफरेंस से आप जिस शॉप में चाहेंगे वहां पे वो आपको एज अ प्रमोटर जॉब दिलवा देगा। अब तो बात हो गई, आपने उनसे बात कर ली, सारी चीजें हो गई, उनके बाद आपको वहां पे क्या डॉक्यूमेंट देना, तो डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप इंटर पास हैं यानी कि 12th कर रखे हैं तो 12th का जो मार्कशीट है और एडमिट कार्ड है वो देना होगा, या मैट्रिक पास 10वीं पास हैं तो 10वीं का एडमिट कार्ड और साथ ही साथ मार्कशीट देना पड़ेगा। दोस्तों, बात करने का थोड़ा सा स्किल आपके पास अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात, अगर आप एक मोबाइल कंपनी में प्रमोटर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपका मोबाइल में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, लाइक डिस्प्ले की क्वालिटी, बैटरी एमएएच क्या होता है,
क्या होता है इसमें, प्रोसेसर कितने निट्स का होता है, इसमें ब्राइटनेस अप एंड डाउन करने की, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें, या फिर अगर आप ओप्पो के प्रमोटर बनना चाहते हैं तो ओप्पो का जो लेटेस्ट मॉडल है उनके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी यूट्यूब पे, गूगल क्रोम पे, या फिर जिससे आप मिलकर जॉब के लिए गए हैं उनसे आप पीपीटी मान लेंगे, क्योंकि हर प्रमोटर के पास उनके नए मॉडल का पीपीटी होता है, वो आपको शायद दे दें, आप उनसे लेकर भी थोड़ी सी तैयारी करके जाएंगे तो आप डायरेक्ट वीवीए में तैयार बहाल हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पीवीवीए में बहाल किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा वीवीए और पीवीवीए में क्या अंतर होता है, साथ ही साथ एचवीवीए क्या होता है ये भी बता दूं। दोस्तों पीवीवीए होता है पार्ट टाइम प्रमोटर, और जो एच होता है वो होता है उनको सैलरी तो मिलती है, लेकिन सैलरी जो मिलती है वो उनको सैलरी के रूप में नहीं, एज ए बोनस के रूप में मिलता है। और यहीं अगर आप वीबीए बनते हैं तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपको सैलरी भी मिलती है, आपका पीएफ भी कटता है, आपका टीडीएस भी कटता है। ये तो बात हो गई। अब दोस्तों अगर आप प्रमोटर बन चुके हैं, अब इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो है 9 से 12 हजार, लेकिन आप इसमें 30,000, 40,000, 50,000 तक भी कमा सकते हैं। अब आपको ये शब्द सुनने के बाद दिमाग में हो रहा होगा कि ये तो बता रहा है 9 से 12 हजार सैलरी, लेकिन मैं 50,000 तक कैसे कमा सकता हूं। तो दोस्तों हर एक मॉडल पे एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा बड़े मॉडल सेल करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने, अब वीडियो खत्म करने से पहले ये बता दूं, मैंने बताया था आपके दिमाग में होगा कि कितना टारगेट मिलता है और लगातार कितने महीने तक हम टारगेट पूरा नहीं करते कि हमारी जॉब खत्म हो जाती है। तो दोस्तों 4 महीनों तक अगर लगातार आप अपने टारगेट से पीछे रह जाते हैं, मतलब कि टारगेट नहीं कर पाते, एज अ लो सबसे छोटा जो टारगेट आपको मिलता है उसे भी अचीव नहीं कर पाते हैं 4 महीने तक, लेकिन दोस्तों कंपनी आपको पूरी सैलरी देती है, उसके बाद आपको टर्मिनेट किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट 35, 65, 55 और 75 का टारगेट होता है। अब आप इसमें जो टारगेट करेंगे उस बिहाफ पे आपको जितना ज्यादा टारगेट करेंगे उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। सारी जानकारी मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल टेक्निकल फ्लक्सोन को सब्सक्राइब भी कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि भविष्य में कभी भी कोई भी वीडियो हम अपनी चैनल पे डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।